भाई यहाँ तो पूरा माइलेज क्लच सब गया। तब लॉन्ग में आ रहे हो अभी? कल आओगे आप? अरे प्लीज सर प्लीज भाई, गलत पंगा ले लिया। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी बुलेट से ही। अब देखो साइड करें सबको। ये गाइस अभी लिटरली शाम के पूरे 6 भी नहीं बजे और एक बारी बाहर अंधेरा देखो। कैमरा में एक बारी को फिर भी थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, लेकिन अभी खतरनाक वाला अंधेरा होने वाला है। मुश्किल से मुश्किल 6 जैसी बज जाएंगे अंधेरा प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन अभी आगे सीन है गाइस। सो हे व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो अभी हम लोग लेके जाने वाले हैं अपनी बाइक को बाहर मेन मार्केट में, बिकॉज वहां मेरे को छोटा सा काम था, इसलिए मैंने कहा अगर वहां तक जा ही रहे हैं तो प्रॉपर वीडियो भी शूट करके आएंगे। अभी चलते हैं, इसको बाहर कोल्ड स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में अंदर गया हूँ मैंने अभी अभी जो रिकॉर्ड करा कैमरा से, और अभी आप देख रहे हो गोप्रो से कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, अंधेरा कितना ज्यादा हो गया। लेकिन अगर अभी आप वहां पे देख पा रहे हो कि सामने, तो जो वो लाइन हो रही है एकदम पूरी ऑरेंज और ब्लू सी जो उसका मिक्स हो रहा है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी इसको मैंने कोल्ड स्टार्ट भी नहीं करा, एक बार इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं भाई। और आज इसको हम रोड मोड पे नहीं चलाएंगे, इसको हम लोग चलाएंगे स्पोर्ट्स मोड के ऊपर। हाँ परफेक्ट लग गया, मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है अभी बहुत ज़्यादा। एक तो इतने टाइम से मेरे को चलाया नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे को, मैंने बाइक हाथ नहीं लगाई जब से मेरे को सर्विस से यहाँ पर लेके आया हूँ। एंड गाइस बाय द वे, मैंने अपनी माइक की पोजीशन है वो हल्की सी चेंज करी है और कैमरा की सेटिंग्स भी हल्की सी चेंज करी है। तो मेरे को आप एक बारी ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या डिफरेंस लग रहा है, मतलब बस ये कि कहीं क्वालिटी खराब तो नहीं आ रही एक बारी मेरे को, ये बात आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड गाइस अगर आप लोग को कोई भी कमी लगती हो ना वीडियो में, एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो, ताकि हम लोग धीरे धीरे करके इंप्रूव करते जाएँ और अपनी बेस्ट वीडियोज़ आप लोग के सामने लाएँ। आंटी सोच रही मैं किससे बात कर रहा था भाई, कोल्ड स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? चलो जी लेट्स गो। तो अभी आई नो गाइस आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी बाइक को खींच क्यों नहीं रहा, जस्ट बिकॉज मैं भी कॉलोनी में हूँ, और बताऊँ कॉलोनी में ना इसकी आवाज़ और ज़्यादा गूंजती है और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ मैं इसको 30-40 के नीचे रखूँ, ताकि मतलब ये कि बाकी को भी परेशानी ना हो और हम भी अपना सेफ रहें और बाकी कॉलोनी वाले भी एकदम सेफ रहें। ओम नमः शिवाय। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ से हो जाएंगे राइट, मतलब ये पोस्ट ऑफिस क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ से राइट हो जाएंगे, यहाँ नीचे मार्केट की तरफ रास्ता जाता है। हालांकि मार्केट थोड़ी आगे से भी स्टार्ट है, मतलब आगे से भी उसका एक रास्ता है, लेकिन हम लोग थोड़ा पहले ही अंदर चले जाएंगे क्योंकि मेरे को जो पैकेज पकड़ाना है ना, मेरे को यहीं से जाना पड़ेगा भाई। इसको सही में मार्केट में चलाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है बॉस। एक तो ये भारी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से पावर इतनी ज़्यादा है मार्केट के लिए, थोड़ा सा भी थ्रॉटल दो एकदम से भागती है, और उसको कंट्रोल करना सही में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। भाई आज मार्केट बहुत ज्यादा खाली है पता है, वरना यहाँ इतना तो रश होता है, ये बाइक तो मैं कह रहा हूँ भूल ही जाओ यहाँ पे जाएगी। ये देखो कहीं से भी आ जाएंगे। ये वो पीछे छोटा सा बच्चा खुश हो गया, तुम्हें सब लोगों को ताली मारने को हो गया, लेकिन मैंने कहा भाई कहाँ से मारूं। सो गाइस हमारे राइट में मथुरा वाले, यहाँ पर इतनी टेस्टी वाली पूड़ी मिलती है ना, पूड़ी और सब्जी भाई, और इनकी मिठाई तो नेक्स्ट लेवल भाई। गलत पंगा ले लिया। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी बुलेट से ही। अब देखो साइड करें सबको। ये अब हमें आगे से बस मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा अंदर गए तो बाइक हो जाएगी ओवरहीट भाई। नेक्स्ट लेवल भीड़ है बॉस। कहाँ लगाई जाए? जी भैया हाँ भाई, आपका ब्लॉग देखा था। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम सोहन भाई, आईटी खड़गपुर। अरे वाह, बाय द वे ब्लॉग में आ रहे हो अभी? हां, कल आओगे आप? एक सेल। अरे प्लीज सर प्लीज। ऑलराइट टेक केयर मैन। एक सेकंड जान सर, बेटा दूर रखो बेटा, ये ना थोड़ा गर्म हो रहा है इंजन। हां वो समझ, थोड़ा सा बस दूर है ना। हां जी, फोटो लेनी इनके साथ? ले लो, आ जाओ भाई, दूर रहो थोड़ा सा ना। आ जाओ जी, आप यहां आ जाओ, मेरे यहां आ जाओ। हम लोग जयपुर से। अरे वाह जी, अब बस निकलने की बात है यार, कहाँ से निकले, उधर से जाएं उधर से जाएं। देखो बढ़िया बात है, यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिल गए, एक अपने जयपुर से थे और एक थे यूपी से। इधर से निकलते हैं लो। सर अपना अलग ही मगन हो रखे इस समय। हाँ मैं तो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, तो रास्ता एकदम भूल चुका हूँ, पता है कि बाइक यहाँ से बाहर कैसे आएगी। हाँ ये रास्ता, मैं वही कहूँ, मैंने कहा यार मैं बाइक लाया तो था एक बार यहाँ से। भाई यहाँ तो पूरा माइलेज क्लच सब गया। अब यहाँ से आ जाओ आंटी, आ जाओ।
नॉर्मल हाईवे का भी अलग फन है, बीच मार्केट में तो अलग ही फन है। बस बाइक होने वाली है ओवर हीट 101 डिग्री सेल्सियस। बॉस दिस इज द नेक्स्ट डे। एंड एक चीज थी जो कि मैंने नोटिस करी थी बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को अजीब सी लग रही थी कि ये इसमें हुआ क्या कब से। तो कल जब हम लोग बाइक को राइड से वापसी लेकर आए तो मैंने ये चीज, मुझे रात को नहीं हुई नोटिस, ये मैंने सुबह उठ के एक बार नोटिस करा। एक बार मैं आपको इससे पास से दिखाता हूँ। अब एक बार ये चेक करो कि टायर पे ना कुछ अजीब अजीब सा ये आ गया है। ये देखो ब्लैक ब्लैक सा, ये इसके पूरे एलॉय व्हील्स पे, ये देखो सब पता नहीं किस तरह का कुछ एक गंदा सा ना चिपक गया है। अब ये क्या चीज है मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज ये फ्रंट टायर पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके रेयर टायर पे। एक बार ये फ्रंट में भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो इसका फ्रंट टायर पूरा क्लियर है, कोई भी ऐसे वाले मार्क नहीं है, कुछ भी इस पर चिपका नहीं हुआ है। लेकिन जो उसके पीछे वाला टायर है उस पर चिपका हुआ है। अब ये मुझे पता है क्या चीज फील हो रही है, जहां तक मुझे लगता है ये जब इस पे चेन लूप मारा था ना, ये चेन लूप चेन क्लीनर की वजह से इस पे ना गंदगी चिपक गई है। जबकि चेन लूप मारने के बाद उन्होंने इसको अच्छे से वॉश भी करा था, इसके ये पहले वॉश हुई उसके बाद इसमें लगा चेन क्लीनर, फिर लगा इस पे चेन लूप, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इस पे मार रहे थे ना तब इस पे ये चिपक चुका है, इस पे सारी की सारी गंदगी चिपक चुकी है। अब पॉइंट ये आता है कि इसको हटाना कैसे। अगर आप लोग को पता हो कि ये चेन क्लीनर चेन लूप अपने अलॉय व्हील्स पे हटाएं कैसे, या किसी भी चीज से आप एक चेन लूप को कैसे हटा सकते हो जो कि चीजें चिपक जाती है, मतलब थोड़ा ना ऐसा देखो चिपचिपाहट सी हो गई है ये, मतलब ये काफी ज्यादा प्रेशर देने पर निकल रही है, नॉर्मली बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी आइडिया हो कि ये कैसे निकलता है, मेरे को एक बारी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं एक बारी आपके ट्रिक्स भी ट्राई करूंगा। बाकी अभी के लिए इसको अच्छे से ढक के खड़ा कर देते हैं ताकि और ज्यादा धूप न चिपके, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को आज का शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे केयर, बाय बाय, राइट से। तो गाइस डन हो चुका है, हम लोगों ने माइक भी अक्षय भैया को वापस कर दिया, हमारा नया माइक आ चुका है। और आज की ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी मेरे को एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यार एक बारी मालूम पड़ जाना चाहिए ना, देखो मैं घर जाके सुनूंगा, क्या पता मेरे को बढ़िया लगे लेकिन आप लोग को बढ़िया ना लगे। तो अब वीडियो आप लोग को ही देखनी है, तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन ना भर दो आज तो अच्छे से।